अगर हम गौर करके देखें, हम अनंत काल से जन्म लेते चले आए हैं और सारे संस्कार हमारे अंतःकरण में भरे हुए हैं। हमारा शरीर, आपने शरीर का बात की, मैं और थोड़ा एक सीढ़ी आगे, शरीर प्राण और मन साधक के तीन चीजें बड़ी विरोधी है। ये कभी पसंद नहीं करते कि अभ्यासी अंतर्मुखी हो, अभ्यासी सत्य की ओर चले, क्योंकि इनकी एक आदत पड़ी तीनों की कि बहिर्मुखी होने की। शरीर यानी अपने अनुकूल, उसे क्या अच्छा लगता, यानी सुख उसे अच्छा लगता, अच्छा खाए, अच्छा पहने, अच्छी जगह रहे, एकदम से शान साकत से रहे, यश हो उसका, बड़ी अच्छी बात। मन हमेशा बाहर भागता रहता अच्छी चीजों के लिए, यानी सुख, बल्कि संसार में वास्तव में सुख नहीं है, सिर्फ दुख है। सुख क्षण भर के लिए, दुख तो बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ तैयार होता है। तो मतलब कहने का, साधक के लिए तीन चीजें बड़ी अवरोधक हैं, और स्वयं अपनी ही यानी शरीर, यानी कभी जब कर्म निकलेगा अंदर से, मान लो पुराने संस्कार पड़े हुए हैं, तो साधक को हो सकता कुछ दिन बाद उसकी तबीयत खराब हो जाए, बुखार आ जाए, या जो अंदर संस्कार हैं। आदमी एक बात और होती है कि साधक जो अभ्यासी, जब उसने पहले अभ्यास नहीं किया है तो अच्छा जीवन जी रहा हो, और जैसे अभ्यास शुरू किया परेशानियां अकारण आने लगी, अकारण, और वो होता है वास्तव में उसके स्वयं अंदर का। फिर होता है देखो, मैं कुछ किसी से नहीं करता हूँ, कोई कोई हमारे सामने और खड़ा हो जाता संसारी को, वो उसी के अंदर जो भरा हुआ है, अंदर का अंदर तमोगुणी कर्म भरे हुए हैं, मलिनता जो भरी हुई। जब हम अच्छा कर्म करते, अभ्यास करते, अच्छी चीज सतगुणी कर्म अंदर गए, और उनका एक स्वभाव है तमोगुणी कर्म, वो बाहर विरोधाभास है, बाहर निकल। पिछले जन्मों के संस्कार है। हाँ, संस्कार किसी, जैसे बुखार, अगर मान लो किसी को बुखार आ गया, कुछ भी हो गया सारी, या कि किसी अंग में कोई अंग गड़बड़ी हो गई, डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा, तो हमें कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि हम भिन्न भिन्न तरीकों से हमें भोगते, तो कुछ कर्म ऐसे होते हैं हमें इस तरह से भी भोगने पड़ते हैं। बहुतों को बीमारियों के रूप में भोगना पड़ता है। मैं क्या बताऊँ व्यक्तिगत की, कभी कभी जैसे साधक की साधना नहीं चलती है, और मेरे भौतिक रूप से बड़ा अच्छा है, अब पिछला जन्म में क्या किया एक अलग बात, वर्तमान में अच्छा है, तब फिर वो करना पड़ता है, तो फिर मैं बता देता, तो कभी कभी मैं भी बीमार हो गया, 15 दिन बीमार रहा, मैं नहीं और बहुत से लोग जानते, मेरे साथ एक और लड़की बीमार हो गई। क्या हुआ मैं थोड़ा बता ही देता हूँ, खुल के लोग जानते हैं, कोई 4 साल पहले, क्योंकि ये वीडियो अगर वो देखेगा तो वो ध्यान जाएगा। 4 साल पहले क्या हुआ कि दिल्ली से मैं एक लड़की को लेकर गया, मैं किसी लड़की को लेकर जा रहा, मैंने कहा ऐसा कर, इसकी छोटी उम्र की है, डी यू में पढ़ रही है, तो कुंडली जागृत कर दो। मैं चाहूँ तो मैं करता, लेकिन मैं चाहता था कि वो भी थोड़ी लड़की है तो ये भी जाने, और भविष्य में लड़कियों को मार्गदर्शन करे, क्योंकि पहले तो पढ़ी रही अभी है, तो मेरी इच्छा है कि स्त्रियों को भी कुछ ज़्यादा ही हो, इधर तो कम सीखती हैं योग वगैरह, कम सीख लेती हैं, और कुछ उनके बंधन भी कड़े होते, पुरुष लोग कड़े कर देते हैं, तो मैं उसको जरा ट्रेन कर रहा हूँ। हमने कहा चलो, उसको लेके गया, कुंडली तो उसने जागृत कर दी, कोई बात नहीं। फिर उसे थोड़ा परेशानी आई, क्यों था क्या कि जो साधक अभ्यास कर रहा था अभी उसकी उचित अवस्था नहीं आई थी,
तो ये सब चीजें हमारे संस्कार मतलब जो हमारे कर्माशय होते चित्त में, वो जब तक भोग न लो अभ्यास के द्वारा, यानी एक निश्चित लेवल पर ना चले जाओ कर्मों पर, तब तक वो चक्रों का सारा अंतर्मुखी होना नहीं होता। और वो बार बार ऑपरेशन मार रही थी योग बल का, क्योंकि मैंने सिखाया हुआ था कर्म द्वारा मत में हूँ, ऐसे सिखाते हैं। तो उसको हुआ थोड़ी बीमारी, एक साल का यहाँ का था, मतलब कंठ चक्र खोलना था, मैं स्पष्ट बोलूँ कंठ चक्र खोलना था। ये एक साधारण किसी योगी की बस की बात नहीं होती, मैं उसको ज़्यादा ही ट्रेन करना चाहता था। 6 दिन लगे मतलब उसको सिखाया वो किया, खैर IIT से चले आए, फिर ये हुआ कंठ चक्र तो खुल गया उस सज्जन का। लेकिन 15 दिन मैं आकर के उसे घर में, दिल्ली में आकर के उसी के घर में, क्योंकि उसे भेजने आया कानपुर से, मैं बीमार हो गया। इतना बीमार हो जैसे अपने सूटकेस वगैरह रखे बुखार आ गया, उसको भी बुखार आ गया, ऐसा जैसे खरीद के लाया, जैसे नहीं सब्जी खरीद के लाया चलो भाई मैं, तो वैसे हम दोनों तो क्या हो गया, सफ़र करके आए रात में, ज़्यादा जागते रहे तो हो गया, और बस फिर खाना खाया सो गया, बस बुखार आना शुरू। इतना तेज बुखार तो मैंने कहा, हालांकि उनके घर वालों ने कहा कि नहीं भाई डॉक्टर के पास चले, हमने कहा नहीं हम डॉक्टर को जल्दी हमसे काम नहीं करना, क्योंकि हमें भोगना होता अपना। तो लड़की को भी वो भी लेट गई और वो हो गया। फिर हमने कहा बेटा ऐसा करना कि नहीं तुम्हें इलाज मत लेना, तेरी माँ कह रही इलाज नहीं लेना, कि क्यों? मैंने कहा मुझे पता है भोगो, अगर तुमने इलाज ले लिया तो उसका है कंठ चक्र बंद होने लगा, कर्म तुम्हें भोग के नष्ट करना। 3 दिन तो वो पड़ी रही, फिर कहता गुरु जी अपने बस का नहीं है, मुझे पढ़ाई भी हुई पढ़ वहाँ भी नहीं जा पाई कॉलेज में, और वो भी नहीं हो, ये अपना लो। हमने कहा नहीं बेटा आदत डालो, कष्टों को सहने की आदत डालो, जो व्यक्ति कष्ट नहीं सहता आदत नहीं डालता है तो अच्छा योगी नहीं बनता है। अगर आपको जैसे पहलवान, मैंने उसको दंगल की याद दिलाई, अगर अच्छा पहलवान बनना है तो मार खाने की आदत डालो, हारने की भी आदत डालो, घबराओ नहीं, हार गए फिर जीत लेंगे, मार खाओ, मतलब इसी तरह हमने कष्ट सहा है मतलब सहने की आदत डालो, तभी अच्छी साधक बन साधिका बनोगे। 4 दिन बाद उसने जवाब दे दिया, मैंने कहा ठीक है चल, तो ठीक हो गए। फिर मैं 15 दिन पढ़ा रहा, स्पष्ट हम नहीं जानते, आज सभी के सामने कई जगह लोग जानते हैं, वो भी जानता लड़का, अब तो PhD उसकी हो गई, कहीं अच्छी नौकरी कर रहा है, उसके कर्मों का चेक करने के लिए अपने पर, हाँ वही कर्मों का, इसीलिए अभी कहा गुरु का कर्तव्य है। मैंने फेसबुक में कई बार लिखा कर मेरा फेसबुक देखा जा, मैं अपने विद्यार्थियों का यानी साधकों का मैं कर्म वहन करता, मैं शिष्य नहीं बनाता हूँ, बस तुम्हारे दो चार है ऐसा नहीं, हाँ मार्गदर्शन करता हूँ लेकिन मैं वहन करता हूँ, मेरा शिष्य कोई ढीला ढाला नहीं रहेगा, क्यों? मैं खुद कठोर साधना करता हूँ, कठोर पर ही मंजूर करता हूँ धीरे धीरे। तो जो आपका था कि कर्मों का वहन करना पड़ता है, अर्थात कर्म उसका समय नहीं आया था आगे बढ़ने का, चलो हमें ये हुआ कि उस साधक का कल्याण हो गया, 15 दिन हमने लगा, मैं क्या यार देखो मैं स्वस्थ बैठा हूँ, कोई बात नहीं, किसी का कल्याण हो गया बस हमें खुशी हुई। तो कहने का कि ये जो हमारा शरीर बीमार होता है, हमने जो पूर्व काल में कर्म के विभिन्न रूप में होते हैं, जैसे मान लो एक उदाहरण होता है कि घर से अच्छी तरह से निकले मोटरसाइकिल से जा रहे थे और एक्सीडेंट हो गया, कभी कभी किसी घटनाएं घट जाती है, तो किसी रूप में उसी रूप में कर्म आ जाते हैं। हम कह देते हैं कि अमुक गाड़ी ने देखो गलत टक्कर मार दी, वो ठीक है तो हमारा स्थूल रूप में दिख रहा है, लेकिन कोई भी जो घटना घटती है, कोई भी प्राकृतिक क्रिया होती है, तो समझ लो कि कुछ कर्म ही आ जाते हैं, इन कर्मों को ऐसा हम करते रहते हैं। और लेकिन योग जो मार्गदर्शक जो होता है, गुरु होता है, वो अपने शिष्यों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कर्मों का, ऐसा नहीं कि सारा ढोए, ऐसा नहीं होता, कुछ विशेषता को कभी कभार अगर ऐसा आता और डाला तो वहन कर देता। तो आपने जो कहा हमें किसी न किसी रूप से कर्मों को, यानी बीमारी में या शरीर हमारा काम नहीं करता, और जब हम अभ्यास करते हैं तो अवरोध के रूप में किसी न किसी प्रकार से आने लगते हैं, बीमार भी होते हैं, बीमारियाँ भी आती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रिमेंबर टू लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब।